अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने इंग्लिश के रिमेनिंग एक्सरसाइज जो रहती थी चैप्टर नंबर 3 की अमेजिंग, इसकी हम रिमेनिंग एक्सरसाइज करेंगे जो कि पेज नंबर है 11 पर। एक्सरसाइज ए है, यहाँ पर दी गई है फिल इन द सर्कल एंड और आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर हमें जिसके राइट आंसर उसको फिलअप करना है। सीड ग्रो इनटू, जो सीड होते हैं बीज वो किस में ग्रो करते हैं, एनिमल्स में, बर्ड्स में या फ्लावर्स में। इसका राइट आंसर फ्लावर्स है, तो हम इसे फिलअप कर देंगे। बीज मेक, जो शहद की मक्खियाँ होती हैं वो क्या बनाती हैं, हनी, सिल्क या वूल। शहद बनाती है, वूल बनाती है या फिर सिल्क, क्या बनाती है। राइट इनका आंसर है हनी, तो इसे फिलअप करना है। एग्स टर्न इनटू, एग जो होता है अंडा वो टर्न किस में बदल जाता है, बर्ड्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, बर्ड्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसकी पेज नंबर 12 पर। ये वाली एक्सरसाइज को हम नहीं करेंगे, ओके। ये थर्ड सी है एक्सरसाइज, ये करेंगे हम। इसे कंबाइन करके वर्ड को, अल्फाबेट यहाँ पर दिए हुए हैं, हमें इसे कंबाइन करके लिखना है और ये न्यू वर्ड बन जाएगा। एच प्लस ई एन हैन, एम प्लस ई एन मैन, डी प्लस ई एन डैन, पी प्लस ई एन पैन, टी प्लस ई एन टैन, टी एच प्लस ई एन डैन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 13 पर। यहाँ पर दी गई है अल्फाबेट, अल्फाबेट यहाँ पर दिया गया है कि कितने क्वेश्चन है इसका आंसर। हाउ मेनी लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर देयर इन टोटल, कितने अल्फाबेट है पूरे इंग्लिश के। तो यहाँ पर हैं पूरे, इसको हम काउंट करेंगे तो हमें पूरे यहाँ पर लिखे गए इसका आंसर। राइट आंसर है 52। अब सी एक्सरसाइज है राइट द मिसिंग लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ पर मिसिंग लेटर्स जो हैं ये हमें खुद फिलअप करने हैं, खुद है। यहाँ पर जेड तक हमें पूरी अल्फाबेट ए बी सी खुद लिखनी है, ठीक है। ए के बाद और कैपिटल, कैपिटल में लिखनी है, स्मॉल नहीं। ए, ए के बाद आता है बी, इसी तरह हम लिखते जाएंगे। सी के बाद डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, पी के बाद क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और यहाँ पर जेड लिखा हुआ है, ठीक है। यह आज आपकी एक्सरसाइज थी। अल्लाह हाफिज़।